देखो यहाँ पे सब खाना है, दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, सब वगैरह सब, अचार भी है। ये भैया दे रहे हैं 40 रुपये में एक प्लेट देते हैं। कांदा काट रहे हैं हमारे लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे तक। तो फ्रेंड्स आ गया हमारा खाना, देख सकते हो यहाँ पे भैया बैठा है, खाना चालू करेंगे धीरे धीरे। वहाँ पे रोटी बन रही है, रोटी भी बन के आएगी और लेके आ रहा है वो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ना अभी आया हूँ लखनऊ में, और यहाँ पर हम लोग ने एक भाड़े पर रूम लिया। मैं हूँ और सुबह में मेरे साथ में मेरा भाई, तो मैं यही ना आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अभी भाई हम लोग इस रूम में ठहरे हैं, तो जैसे मान लो एक होटल है और इसमें हम लोग ने कम से कम 400 भाड़ा, मतलब इसका रूम का भाड़ा दिए एक दिन का 24 घंटे का। और इस रूम में भी आया है कुछ में, मतलब जो जो सुविधा है ना मैं अभी दिखाऊंगा आप लोग को। तो गाइस मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं सब बताऊंगा, मतलब कैसे कैसे अगर आप कोई भी जैसे आदमी रहता है जैसे बाहर निकलता है अगर सुविधा उधर नहीं है तो उसके लाइफ में मतलब क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे कैसे रहना पड़ता है, बाहर जाए बताता हूँ मैं आपको। गाइस मतलब 400 रुपये में किसी होटल में और अभी लखनऊ में, मतलब उत्तर प्रदेश में, मतलब क्या क्या आपके उसमें मिलेगा उस भाड़े के अंदर मैं आप लोग को दिखाता हूँ और अच्छे से पूरा बताऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब आप कुछ संकोच में पड़े मतलब किसी चीज़ के, मैं सब अच्छे से दिखाता हूँ। तो बने रहिए, मैं बैग क्या वैसे दिखाता हूँ आप लोगों को सब। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें, देख सकते हैं पहले सुविधा क्या रहेगा। इसमें टीवी रहेगा पहले, और मतलब टीवी तो रहता ही है और सब है, और चार्जिंग हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बस इतना सुविधा रहता है। और देखो हम लोग ना झोला लाए, जो बैग हमारा और ये रखने के लिए है बैग वैग। और हम लोग पहले 114 नंबर में आए रूम में, और दिखाता हूँ ये सब कचरा रखने के लिए भी आपको मिलेगा जगह। अभी दिखाना बाकी है सुविधा थोड़ा, तो मैं दिखाता हूँ। और ये देखिए बेड है अच्छा पूरा, मतलब इतना बेड रहेगा सामान वामान रखने के लिए, उस भी जगह है थोड़ा। और ये कम से कम ना 4×6 का है जो रूम है, बस इतना ही रहेगा। इधर एक बाथरूम है, तो मेरा भाई तो गया है, मैं बताया आपको फ्रेश होने के लिए, तो उसके बाद दिखाता हूँ भी हम लोगों को भी सुविधा रहेगा 400 रुपये। तो कहीं मेरे ब्लॉग में बने रहिए ना, हाँ बताऊँ मैं। और हम अभी बाहर जाएंगे थोड़ा घूमने के लिए, सब नहा वहाँ के दिखाता हूँ अभी आपको, पहले ही दिखाता हूँ थोड़ी देर में कैसे यहाँ का मतलब टॉयलेट वॉयलेट रहेगा। कहीं हम लोग जितना सोचते हैं ना कि ज़िंदगी में इतना इतना आसान है, ज़िंदगी जीना उतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी सिचुएशन में अगर फंसेंगे ना बहुत बुरा लगता है, इसलिए ना दोस्तों आप जहाँ भी रहें ना मस्त रहेगा। जैसे गांव में कितने लोग रहते हैं तो वो लोग सोचते ही नहीं हैं, अपने मम्मी पापा के पैसे जितना भी रहता है सब लाते बढ़ाते हैं, कुछ भी सोचते ही नहीं हैं, मतलब क्या फ्यूचर रहेगा कैसे रहेगा। कभी ना खुद निकल के देखते ना बाहर कितना मतलब तकलीफ़ होती है ज़िंदगी, स्ट्रगल पूरा होती है कि पैसा किधर से आएगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो गाय ज़िंदगी इतना ना जितना सोचते ना उतना आसान है, बहुत मुश्किल है। गाय मैं यही बता रहा था आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थोड़ा। और मैं अभी जो है वो दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, इस रूम में
मैं रह रहा हूँ, 24 घंटे के लिए लिए हैं, 400 रुपये पेमेंट किए हैं। लग्जरी रहेगा तो बहुत ही महंगा रहता है, लेकिन हम लोग अपना लिमिट है ना, पता है ना कि क्या कर लाइन, तो उसके हिसाब से रूम भी लिए। एक जगह देखने गए थे तो 2000 बता रहा था, वो पूरा महीने के लिए थोड़ा अच्छा था, मतलब उस समय उसमें सुविधा नहीं थी, बस थोड़ा सा जगह था उसमें, आप दो लोग या एक लोग रह सकते बस, तो ऐसा था। तो मैं अभी उसका दिखाता हूँ, 400 रुपये का जो भाड़ा मिली हम लोग होटल में रूम में, सीला खान का होटल है। तो भाई ये देखिए, पहले आईना है इसमें, ऐसा आईना है 400 रुपये में, और छत देखिए, एक लाइट है इसमें, सब ऐसा घर है। ये हाथ धोने के लिए बेसिन है बढ़िया, और एक टॉयलेट। और मैं जा रहा था नहाने के लिए, तो देखो मैं गमछी लाया था, मैं सोचा कि अभी नहा लेता हूँ, तो मैं उससे पहले सोचा कि अब मैं ब्लॉग बना लेता हूँ। फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, आपको दिखाता हूँ मैं सामने क्या खाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे सब खाना है, दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, सब वगैरह सब, अचार भी है। ये भैया दे रहे हैं आपको 40 रुपये में एक प्लेट देते हैं, कांदा काट रहे हैं हमारे लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे तक। तो फ्रेंड्स आ गया हमारा खाना, देख सकते हो यहाँ पे भैया बैठा है, खाना चालू करेंगे धीरे धीरे। वहाँ पे रोटी बन रही है, रोटी भी बन के आएगी, वो लेके आ रहा है वो। फ्रेंड्स अभी हम लोग ने खाना खा लिया है, अब हम लोग थोड़ा जा रहे हैं आगे घूमने के लिए दूसरे जगह पे। अब देख सकते हो भाई के साथ में चल रहा है, बस मेरा कीर्तन का लगा था, पिछले के पता नहीं चल पा रहा था। फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे बस स्टॉप था, और बस स्टॉप से अभी उससे हम लोग आगे जा रहे हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा गांव साइड में देखेंगे कौन सी जगह अच्छी है, तो वहाँ जाएंगे घूमेंगे थोड़ा। तो गाइज आप देख सकते हैं सामने यहाँ का ना ताजमहल है शहर। तो गाइज ये लखनऊ है, लखनऊ का जो ताजमहल है यहाँ का दिखा रहे आप लोगों को।